नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। बड़ा शिव मंदिर वेस्ट ज्योति नगर में हैं हम और हमारे साथ में पूजनीय ब्रिज बिहारी दास जी महाराज हैं। सावन का पावन महीना है और साथ ही पहला सोमवार, इसी पे बात करेंगे महाराज जी की, क्योंकि ज्ञान की गंगा में जितनी भी आप डुबकी लगा लें उतना ज़्यादा अच्छा है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का जो पावन दिन है सोमवार का और सावन का मास है, इस पर क्या आपका विचार है और क्या आज गुरु मंत्र है भक्तों के लिए? बोल ज्योतेश्वर महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की जय, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान शंकर का ये जो श्रावण मास है बड़ा पावन मास है। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और प्रथम सोमवार है, यानी पहला सोमवार। सोमवार का श्रावण मास में अपना एक विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान शंकर को जल आदि चढ़ा के, दूध है, पंचामृत है, ये सब चढ़ा के, पुष्प आदि है, विल्व पत्र आदि है, भिजिया है, ये जो चढ़ाते हैं, चढ़ा के भगवान शंकर की जो प्रसन्नता है वो प्राप्त कर लेते हैं। श्रावण मास का इतना महत्व है, इतना महत्व है, जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चो त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम विल्व पत्रम शिवार्पणम। जो विल्व पत्र है इसका बड़ा महत्व है। विल्व पत्र लेकर के उसके ऊपर चंदन से, रोली से ओम नमः शिवाय लिख के और भगवान शिव को जो चढ़ा देता है, उसके कई जन्मों के पाप जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। त्रिदलम, तीन पत्रे वाला यानी तीन दल वाला, त्रिगुणाकारम, त्रिगुणातीत जो भगवान शंकर हैं या त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं जिनमें दो नेत्रों से अपने भक्तों पर दया करते हैं और जो भक्त का विरोधी होता है या जो आतताई होता है या अत्याचार करने वाला होता है। और ऐसा भी है कि भगवान शिव के तप में जो विघ्न डालने वाला होता है, तीसरे नेत्र से भगवान शंकर उसे खोल के जला करके भस्म कर देते हैं। तो कहा है कि त्रिजन्म पाप संहारम विल्व पत्रम शिवार्पणम, तीन जन्म के जो पाप हैं विल्व पत्र चढ़ाने से जल करके हर व्यक्ति के भस्म हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्रावण मास में जिन्हें धन की कामना है कि लक्ष्मी आए, उन्हें जो पंचामृत है यानी दही है, दूध है, शहद है, शर्करा है, घृत है, पंचामृत मिला के ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, उस पर धीरे धीरे धार लगा के छोड़ना चाहिए और ओम नमः शिवाय ये षडाक्षरी मंत्र है। दूसरा मंत्र है नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। षडाक्षरी और पंचाक्षरी मंत्र करने वाला, धार लगाते समय मंत्र का उच्चारण करने वाला अपने जन्म जन्मांतर के पापों को जला के भस्म करता है और अपने साथ अपने माता पिता का भी उद्धार कर देता है। और एक विशेष बात श्रावण मास की ये है, अभी पिछले शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी निकल के गई है, तो देवशयनी जो एकादशी है उसमें भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के यहाँ उसे दर्शन देने के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए।
जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं 4 महीने के लिए विष्णु लोक से, वैकुंठ में से, तो जाते समय भगवान विष्णु जो है शंकर जी से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, 4 महीने के लिए मैं पाताल में राजा बलि के यहाँ पे जा रहा हूँ, और वहाँ जाके राजा की जो पत्नी है रत्नावली, मुझे दर्शन देना है, क्योंकि मैंने उसको वचन दिया हुआ है 4 महीने मैं अपने विष्णु रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो हे भोलेनाथ, मेरी अनुपस्थिति में और आप सृष्टि का पालन करना, सृष्टि के लोगों का कल्याण करना, और जो उपासना आपकी करे उनको आप वरदान देना, भक्ति जो है वो उनको देना। तो भगवान विष्णु ऐसा कह के चले जाते हैं। शंकर भगवान 4 महीने के लिए सृष्टि को संभालते हैं। और दूसरी एक विशेष बात ये है कि जो एकादशी है देवशयनी, ठीक उसके 4 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा आ जाती है। इसका क्या मतलब है? 4 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा क्यों आती है? गुरु पूर्णिमा 4 दिन बाद इसलिए आती है कि जो हमारे भगवान शंकर हैं, ये वंदे देव महापतिम सुर गुरुम, वंदे जगत कारणम, जगत के कारण स्वरूप हैं, और ये सबके देवता हैं, और सब देव हैं, ये महादेव हैं। वंदे देव महापतिम सुर गुरुम, यानी देवताओं के गुरु भी हैं और देवों में अग्रगण्य ये महादेव भी हैं। तो भाई, जन्म लेने के बाद, जन्म धारण करने के बाद पहले हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर ने सृष्टि का भार संभाला, भगवान विष्णु गए, तो पहले गुरु रूप में शंकर भगवान की गुरु पूर्णिमा में पूजा होती है। तो वंदे देव महापतिम सुर गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक बहनत्री नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयांच वरदम, वंदे शिवम शंकरम। ऐसे भगवान शिव की वंदना बार बार करनी चाहिए। श्रावण महीने का जो विशेष नियम है वो सबको 1 महीने का लेना चाहिए कि भाई हम स्नान करके शंकर जी को, अरे कुछ भी वस्तु तुम्हारे पास नहीं है तो केवल जल मात्र लोटा लेके जाओ और भगवान शंकर को जल की धार लगा के वो चढ़ाओ, चंदन आदि हो उसका टीका लगाओ, भगवान शिव को त्रिपुंड लगाओ। त्र्यंबक जो भगवान है महाकालेश्वर, ये हमारे जीवन के सारे विघ्नों को समाप्त कर देते हैं और हमारे जो भंडार हैं उनको भर देते हैं। तो जिन्हें कोई रोग आदि है तो रोग आदि निवृत्ति के लिए, रोग मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को काली जो मिर्च है वो भी चढ़ानी चाहिए। पूजन में रुद्राभिषेक करते समय और जो भगवान का एक अष्टक है, प्रार्थना है, नागेंद्र हाराय भस्मांग रागाय त्रिलोचनाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, भगवान शिव को ये पंचाक्षरी जो स्तोत्र है। अगला श्लोक है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, यानी ना से, मा से, शी, वा और या से, 5 अक्षरों से ये 5 श्लोक आते हैं। इन 5ों का उच्चारण करने वाला, नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला अपनी समस्त जो मनोकामना है उनको प्राप्त कर लेता है। तो श्रावण मास में नियम रखना चाहिए, और ज़्यादा नहीं हो तो प्रत्येक सोमवार का तो रखना ही चाहिए। और इसको करने के बाद व्रत भी होता है कि भाई एक समय भोजन करेंगे, या कोई कहे कि भाई हम अमुक जो फल है या वो नियम है हम 1 महीने नहीं खाएंगे या पात्र में भोजन नहीं करेंगे। तो श्रावण मास ये श्रवण स्वरूप है, जितना भी इसमें पुण्य किया जाएगा वो अक्षय देने वाला है और समस्त विघ्न बाधाओं को शांत करके हमारे जीवन को आनंदमय बनाने वाला है। श्रावण का यही महत्व है। और विशेष करके शिव महापुराण में भगवान शंकर ने शिवरात्रि जो आती है जिसमें हम लोग कांवड़ चढ़ाते हैं, एक रात्रि में एक हिरण और एक बहेलिया, उसकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी और कथा है। उसके ऊपर शंकर भगवान ने अनजाने में कृपा कर दी, बहेलिया बिल्व पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। एक हिरण वहाँ पानी पीने के लिए आया
बहेलिया ने विचार किया कि मैं इसको मार के अपने घर ले जाऊंगा। उसने अपने धनुष के ऊपर बाण चलाया और जैसे ही बाण को खींचने लगा तो उसके हाथ से बिल्व का एक फल जो है वो गिर गया। उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पिंडी थी, उसके ऊपर जाके वो गिरा। तो भगवान शंकर आशुतोष इतने दयालु हैं कि वो प्रसन्न हो गए और बहेलिया को वहाँ दर्शन दिया, वरदान दिया। भगवान शिव की उपासना करने वाला श्रावण में समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की जो भक्ति है वो पा लेता है। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात बतलाएंगे, भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो विष्णु का भक्त है उसे शंकर जी का भक्त जरूर होना चाहिए और जो शंकर जी का भक्त है उसे भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। तो इन देवों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने विष्णु ने स्वयं कहा है कि शिव द्रोही और ममदास कहावा, कि भगवान शिव का तो द्रोही है और मेरा भक्त बनता है, मेरा दास, मेरा सेवक बनता है। शिव द्रोही और ममदास कहावा, ऐसा जो व्यक्ति है सो नर मोहे सपने नहीं भावा, ऐसा इंसान देह धारण करने वाला मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं लगता है जो भगवान शंकर से द्रोह करता है। अगर हमें अपने भगवान अपने इष्ट की भक्ति चाहिए या भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए तो आँख बंद करके हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव कृपा से प्रसाद रूप में तुमको भक्ति मिल जाएगी। यही विशेष भगवान शिव का महात्म्य है और शिव पुराण का ये सार है। शिवोपासना करो, नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, श्रावण मास खाली न जाए, बस यही ध्यान रखो। बोल शंकर भगवान की।